शिवपुरी के नवागत कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने हर मंगलवार को जनसुनवाई करने के प्रभावी निर्देश जारी कर दिए हैं। उक्त निर्देश का असर कोलारस तहसील में देखने को मिला, जहां विकास यात्रा में एसडीएम ब्रज बिहारी श्रीवास्तव ऑनलाइन जनसुनवाई में कलेक्टर के साथ जुड़े रहे। वहीं जनपद पंचायत कार्यालय में सीओ ऑफिसर सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार राजेंद्र जाटव, सीडीपीओ पूजा सोनकार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हालांकि इस मंगलवार काफी समय से बंद पड़ी जनसुनवाई को शुरू किया गया, इस कारण प्रचार प्रसार के अभाव में आमजन ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, किंतु आगामी समय में जनसुनवाई को सभी अधिकारी गंभीरता से लेंगे और तहसील पर ही लोगों की समस्याओं का एसडीएम ब्रज बिहारी श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में निराकरण करेंगे। इससे आमजन को बड़ा लाभ ये होगा कि किसी को अपनी समस्या समाधान के लिए जिला प्रशासन तक नहीं जाना होगा। जिला कलेक्टर रविंद्र चौधरी की उक्त पहल ही काफी प्रशंसा की है। यदि जनसुनवाई की सही से मॉनिटरिंग की जाने लगे तो काफी समय से जारी अभियानों से जो लाभ जनता को नहीं हो पाता, उससे अधिक लाभ जनसुनवाई को प्रभावी करने से हो सकता है। इनका कहना है, कलेक्टर महोदय के निर्देशन पर इस बार ऑनलाइन जनसुनवाई कोलारस में प्रारंभ कर दी गई है। आगामी मंगलवार से एसडीएम ब्रज बिहारी श्रीवास्तव के निर्देशन में हम सब खुले प्रांगण में जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे, ताकि तहसील स्तर पर ही सभी को लाभ मिल सके। ऑफिसर सिंह गुर्जर, सीओ जनपद पंचायत कोलारस। इसमें तीन तो लिखित आवेदन आए हैं और एक मौखिक समस्या को सुना हमने, और प्रधानमंत्री आवास की चौथी किस्त को लेकर वसाई से आवेदन आया, एक पीएम किसान संबंधी मौखिक एक आवेदन आया, इसके अलावा एक पीएम आवास जो बना रहे थे वो चूँकि सरकारी भूमि यानी खेल मैदान में बना रहे थे, तो वो उसको हम अभी नाम जो अन्य जगह उसे दे देंगे जहाँ पे वो बना लेगा, खेल मैदान की जगह चूँकि है वो उसमें नहीं बना सकते। ऐसे करके तीन आवेदन आए हैं, एक मौके पर ऐसे चार टोटल आए हैं, और प्रति मंगलवार को हम 11 बजे से एसडीएम साहब के नेतृत्व में यहाँ पर जनसुनवाई का आयोजन करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये सभी को सूचना देना चाहता हूँ कि कृपया जिला आपको ना जाते हुए यहीं पे अपना आवेदन दे दें, तो निश्चित रूप से उसका निराकरण होगा और सकारात्मक निराकरण।